छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उच्च अंक लाने के साथ कोरबा जिले में टॉप करने वाले शशांक पांडे को इस बात की चिंता है कि उसकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी। मेडिकल क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले शशांक ने कोचिंग और अन्य व्यवस्था के लिए सरकार से मांग की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इस मामले में पिछली और वर्तमान सरकार का रुख एक जैसा बना हुआ है। बालको के सेक्टर 5 में निवासरत और सुरक्षा के काम से जुड़े राम बिहारी पांडे ने बताया कि शशांक के पिता का निधन कुछ समय पहले हो गया है, उसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। छात्र ने बोर्ड परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है, उसकी रुचि मेडिकल क्षेत्र में जाने की है, लेकिन इसके लिए हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, इसीलिए शशांक को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। मेरे साथ में यहीं पर पढ़ाई कर 10वीं में 96% था रिजल्ट और 12वीं में 93% अंक प्राप्त करके नहीं कोरबा जिले में टॉप किया। उसके बाद वो नीट की तैयारी कर रहा है ऑनलाइन, क्योंकि सरकार को कई लेटर दिया भूपेश बघेल जी के समय में दिया 2022 में, इसने 2022-17 में कोरबा जिले में टॉप किया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री वगैरह को लेटर लिखा भूपेश बघेल जी वगैरह को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई इसको आर्थिक मदद किसी तरह की नहीं मिली, न कोई गाइडलाइन मिली कि बच्चा को मतलब जो बैठे भविष्य को देखते हुए शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे पांडे ने बताया कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की और वर्तमान सरकार का रवैया भी कुछ ऐसा ही है कि अनाथ बच्चा मेधावी छात्र कोरबा जिले में टॉप हुए लड़के के लिए ऐसी कोई तमाम योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए अनाथ मेधावी छात्रों के लिए और जिले में टॉप हुए लड़कों के लिए कोई इस तरह की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की जा रही है। छात्र शशांक ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण समस्याएं सामने हैं। आगे बहुत कुछ बनने का इरादा है, लेकिन धन की कमी से बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा है। मैं 12th पास हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट के लिए। 10th में 96 और 12th में 93। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहते हैं? तैयारी करना चाहता हूँ नीट की। नीट के लिए अगर नीट में अगर सफलता नहीं मिली तो फिर देखा जाएगा, मतलब करूँगा, अभी तो देखूँगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ऊंचे उदय में काम जाना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए आप किस तरीका से सहयोग चाहते हैं? सर्वहारा वर्ग के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और इस बारे में लगातार ढोल भी पीटा जाता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने पर पिछले वर्षों में सरकार ने हवाई यात्रा भी कराई और कई प्रकार की सुविधा भी दिलाने का काम किया है। सामान्य वर्ग से आने वाले और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर शशांक पांडे के मामले में यह बात ज्यादा मायने रखती है कि वह होनहार है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उचित कार्रवाई भी करना चाहिए। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।